So. आता आमच्या मध्ये असा बाप समील वळवईकर कुमारजुळा मतदार संघातले येतात. समील एक पॉप्युलर सोशल वर्कर आणि काँग्रेस पक्षाचे काम करणारे खूप वर्ष. मारियो पिंटो बाबा रिक्वेस्ट करता की ताणी येऊचे पुढे. मारियो पिंटो बाब दिवाडेचे सरपंच लास्ट 30 वर्षा. खूपशे महत्वाचे लोक आमच्या बरोबर आज जुळतात. रिक्वेस्ट करता बाब राजेश नाईक पंच मेंबर आणि आदले सरपंच हंगासा. जुलियो गेरेडिया हे कुमारजुळा मतदारसंघाचे आदले पंच मेंबर ते आमच्या मध्ये असा. तांका रिक्वेस्ट करता. बाब निकलस रापोस फॉर्मर पंच मेंबर कुमारजुळा मतदारसंघाचे रिक्वेस्ट करता. बाब मोहन प्रियोडकर आदले पंच मेंबर कुमारजुळा मतदारसंघातले. आदोबा शैलेश गांवस ब्लॉक कमिटी मेंबर आशिले काँग्रेस पक्षाचे आमचे मित्र. काशीनाथ बाब नाईक कुमारजुळा मतदारसंघातले आदले गट मेंबर आशिले. मान्युएल बाब गोम्स कुमारजुळा मतदारसंघातले गटाचे मेंबर आशिले. बाब आल्बिन सिकेर कुमारजुळा गटाचे मेंबर आशिले काँग्रेस पक्षाचे. बाब संदीप केरकार गटाचे मेंबर आशिले कुमारजुळा मतदारसंघाचे. बाब तातू गांवस कुमारजुळा गटाचे मेंबर आशिले काँग्रेस पक्षाचे. बाब संजीव नाईक गटाचे मेंबर आशिले काँग्रेस पक्षाचे. बाब मिलिंद तारी गटाचे मेंबर आशिले. बाब कृष्णा कुमारजुळा गटाचे मेंबर आशिले. बाब तन्वीर अवती यूथ लीडर कुमारजुळा मतदारसंघातले. हे सगळे आमच्या परिचयाचे लोक. आम्ही काँग्रेसीन आशिले हे काँग्रेसीन आमचे इष्ट सगळे. आता आमच्या मध्ये असा आयन लेडी जी का म्हणताले आणि अजून म्हणता याद काढता तिची
ती डायनॅमिक सोशल वर्कर जी स टाइम पंच मेंबर आशिल्ली मागी चार टाइम सरपंच आशिल्ली कासावलेची ती भायर मारता सल्दाना एआयसीसी मेंबर आशिल्ली आमच्या मध्ये असा जॉईन जावपाक शशांक बाब देसाय फॉर्मर चेअरपर्सन कुंकोली म्युनिसिपल काउन्सिल ते आमच्या परिवारात सहभागी जातात. निलेश बाब नार्वेकर मुरमुगाव मतदारसंघाचे आदले काउन्सिलर ते आमच्या मध्ये ते आमकां जॉईन जातात. रामा बाब काणकोणकार सांतांद्रे मतदारसंघाचो आपाचो कॅन्डिडेट आमचो लागतो इश्क थंय सहभागी जातात. संजय बाब सरमळकार आमचे बरे लागचे इश्क संजय सरमळकार आमचे लागचे इश्क आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट काँग्रेस पक्षात खूप काम केलं ते आमच्या मध्ये आमकां जॉईन करतात. नवदीप बाब फळदेसाय काणकोणच्या युथ काँग्रेसीचे लिडर एनएसयूआयचे लिडर ते आमच्या मध्ये असा आमकां जॉईन करतात. बाय पूजा जोशीलकर जी नॅशनल लेवल हॉकी प्लेयर असा ती आमकां जॉईन करता. इलाही शेख जे आपाचे पयली स्पोक्सपर्सन आशिले ते आमकां जॉईन करता. अब्दुल कादीर शेख आपाचे वावुरपी कार्यकर्ते ते आमकां जॉईन करता. प्रिस्को बाब सिकेर जे इन्फ्लुएन्सर असा सोशल मीडिया आणि हेर कडे ते आमच्या मध्ये असा आमच्या मध्ये आस्पावीत जाता. केपे मतदारसंघाचे श्यामबाब चारी गावान सक्रिय सोशल वर्कान ते आमच्या बरोबर सामील जातात. दत्ता बाब वेळी जे गावान सोशल वर्का खातीर नाव जमयला नाव कमयला ते आमच्या मध्ये जॉईन जाता. गणदीप बाब वेळी जे केपे मतदारसंघाचे युथ लीडर असा ते आमच्या मध्ये जॉईन जाता. गौरीश बाब वेळी जे न्यूट्रल इन्फ्लुएन्सर असा गावान एक्टिव्ह असा सक्रिय असा ते आमच्या मध्ये जॉईन जाता. केपे मतदारसंघाचे प्रदीप बाब गांवकार जे टीचर असा ते टीचर नाव कमयला सोशल वर्का खातीर ते आमचे भितर जॉईन जातात. आणि समीर बाबाचे आणि दोन तीन सपोर्टर असा जे आमच्या मध्ये आसपाव जातात. या आमच्या सगळे वळखीचे इष्ट सगळे आम्ही बरोबर काम केला. उदयबाब फट्टे नितीनबाब जाधव सुदेशबाब दारुलकर प्रमोदबाब बर्मन विरेश असोलकर सुनील नाईक अंबादास जळकेबाब एक गणेश बाब नाईक रेहान बाब
इंडक्शन फंक्शन जाले आता आमी सगळे दीदीक आयकुपाक हांगा उत्सुक आसा. दीदीक ऑफिशियली फॉर्मली वेलकम करपा खातीर रिक्वेस्ट करता आमचे हांगा. ताज्या पयली म्हणटा की आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाब अभिषेक बॅनर्जी आसा, आमची डेस्क इन्चार्ज बाय महुआ मोहित्रा आसा, आमचे खासदार डॅरिक बाब डॅरिक ओब्रायन जी आसा, आमचे काँग्रेसचे आदले लिडर अशोक बाब तनवर आसा, आमचे लिएंडर बाब पेस आसा, लुईजीन सर आसा, आमचेच आमचे घरचे राज्यसभेचे खासदार आमचे लिडर आसा किरण बाब कानोलकर. सो दीदीक ऑफिशियली वेलकम करपा खातीर सगळ्यांक तुमकां रिक्वेस्ट करता. लुईजीन सराक आमचे राज्यसभेचे खासदार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिक्वेस्ट करतात आणि दोन उतरां मांडची म्हणून. व्हडलें सांगपाची गरज ना. आमची राष्ट्रीय अध्यक्ष भोमनीस ममता दीदी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगॉल, आमकां खूब खुश भोगता आमचे बरोबर आयज राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बॅनर्जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट, त्याच बरोबर आयज आमचे दोन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट आहा, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब आणि दुसरी आमची ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त मोगाळ भयनंदन भावंदो. चड वेळ जाल्लो आहा. आयज आमी माये मोगाचो येवकार आणि नमस्कार आमचे ममता दीदी करतात. खरेंच म्हणल्यार ही दुसरी फावट तांची गोंयांत भेट जाता आणि प्रत्येक टायमार जेन्ना तांचे पावल या गोंयच्या पवित्र भुमीर पडटा तर आमकां खूब खुश जाता. कित्याक आयज आख्या गोंयांत लोक एक बदल मागतात आणि एक नवे वारें न्यू विंड्स ऑफ चेंज आर स्वीपिंग ऑल ओवर गोवा एंड वेर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द न्यू डॉन एंड वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग द न्यू डॉन. येस्टरडे वी हॅड अनाउंसमेंट ऑफ वन व्हेरी प्रिशियस स्कीम, ग्रा लक्ष्मी कार्ड. You wait for future announcements. Didi has already spoken to the press today and I leave the floor to Didi. Didi, big welcome to you. Big welcome to you, sir, also. We hope with your every step in this state, with your guidance, with your rich experience, Goa will have definitely a new dawn. Jai Hind, Guru. Yeah, good afternoon again to the Trinamool Congress, All India Trinamool Congress chairperson and the chairman of our parliamentary party, and the Chief Minister of West Bengal, Mamata Di, is here. Welcome also to our General Secretary. Trinamool has one General Secretary, that is Abhishek Banerjee, two-time Lok Sabha MP. On his left is our Lok Sabha MP and Goa State in charge, Ms. Mahua Moitro. I'll try and introduce everybody so the following speakers will don't have to do full round of introduction. We have our former two-time Chief Minister of Goa and a Rajya Sabha MP from the All India Trinamool Congress, Filero Bab. Mr. Filero, we have Kiran, who is, I've only known him for a few weeks, but I can tell you, he's one bundle of energy. He's going around here, there, everywhere, and setting the pace. We have someone who's done Goa proud internationally, and now he's back home. The sporting icon, Leander Pace, is here. The problem about introducing is that if I leave anyone out, I'm going to be in trouble. So I'm going to not try and introduce everyone, but there's so many of you who are here. Our superstar theatrist,
फ्रांसिस डेथ्यूम Vithiran. Yeah, every time if I pronounce his name wrong, I'll lose 100 rupees, you'll all become very rich. Okay, and there's so many up here. Rajendra Ji, Shivdas Naik Ji is here, very Sahitya Academy winner, a brilliant lawyer, Antonio Clovis, Yatish Naik, our master of ceremonies. Please give him a big round of applause. Swati. And from Haryana, my friend Shok is here. Everybody's here. Okay, Tony Dias, another great theatrist. Round of applause for Tony Dias. Okay, Swati and everybody else. Dr. Justin, everybody's here. So I'm going to make it a little easier for Abhishek and Moha so they don't have to go through the list. Ladies and gentlemen, I give you Moha Maitro. Thank you very much, Derek. It brings back memories of the Bonvita quiz contest whenever I hear Derek speak like this. But thank you, everyone, and a very, very warm welcome to our chairperson and our chief minister, Mamata Devi. I'm very proud to be here in Goa as the state in charge for the Goa Trinamool Congress. I'm going to keep it very short, but I want to say three things. That the Trinamool Congress is perhaps the only party in India today that is not only committed in words, in spirit, but in action to removing the BJP. There are some who are committed in words, some in spirit, but we are the only ones who are walking the talk. People ask us, why are you here in Goa? If everybody else had done their job, there would have been no need for us to be in Goa. But we are here in Goa to give a platform to Goans. Mamata Devi is not going to become Chief Minister of Goa. I am not going to stand as Member of Parliament here, neither is Abhishek. But what Goans need now is a platform, is a symbol to vote for, to stand on, to defeat the BJP. The existing parties have not been able to do it, which is why we have come here. Nobody is a Goan party. The BJP is run out of Nagpur, the Congress is run out of Delhi. So nobody is a Goan party. We are a party like everybody else, a national party that has come and given you the only alternative. If you believe in the BJP, you be with the BJP. But if you want to defeat the BJP, which I think every right-thinking Indian needs to do, then the only alternative is Mamata Devi, and the only alternative is the Trinamool. This is why we are here. We are here for the long run. We are here to fight, and we are here to win. That's the only way we know. So I want all of you here to leave this meeting, to go out and to make sure every single voter in Goa doesn't think, oh, I have to vote for BJP because there's nobody else. You can tell them that there was nobody else. Today there's the Trinamool Congress, and it is up to all of us to save the soul of this country by voting out the BJP. If we fail, then we have no one to blame but ourselves. So take up this challenge. Let us go to every single corner of Goa. Let us use this opportunity to get them out, and then onwards to 2024. Thank you so much. Thank you, Mama. He's a two-time Lok Sabha MP, rooted to the ground, rooted to the organization of the Trinamool Congress, and he's been in a family which has seen struggle. Today is a day which we just think it's, what's the date today? 13th of December. So what? No. We remember this was about halfway of the 26-day hunger strike, started on the 4th of December, finished on the 29th of December. The year was 2006. Hunger strike, struggle for farmers, for land rights, the original. Mamata Devi's 26-day hunger strike. Today is the halfway mark. When Mamata Devi was on hunger strike in 2006, I remember I had the pleasure and the privilege of being there. There was a young teenager who was there on stage every day. Today that young teenager is a two-time Lok Sabha MP. When he speaks, lots of people appreciate, but I can tell you, the BJP don't like what he says, because he says it straight, fluently in English, in Bengali, his mother tongue, and in Hindi. I give you the National General Secretary of the All India Trinamool Congress, Abhishek Banerjee.
Thank you, Derek, for the gracious introduction. I would like to thank everyone present on the stage and my respect to our honorable chairperson, Ms. Mamata Banerjee, members of parliament, and all the dignitaries present in the stage and everyone who has come to hear her. It's amazing to see a party with a negligible presence even 2 months back, how it has grown multifolds with optimism in your heart and, you know, dreams in your minds of bringing in a new dawn for Goa with Trinamool Congress as the platform. I would like to thank each and every one of you who has come here and reimposing your faith in Didi and Trinamool Congress. As Moha Moitro and Derek rightly said, the Trinamool Congress is the only party in the country. We have 1700 political parties in India today. Yes, you have that right, 1700. And Trinamool Congress is the only party in the country which is taking BJP head on. BJP is using all its might, its vigor, its strength, its blitz to come on Trinamool Congress and make sure Trinamool Congress also follows the line of Congress by not getting onto the ground and remaining constrained and confined within the territories of Facebook and Twitter. But the difference between Congress and Trinamool Congress is we are not keyboard warriors, we are real warriors. We are not a party which only exists in the yardsticks of Twitter and Facebook. We are a party which is out there in the ground, who doesn't sit at the comfort of their homes, who is there to fight for the people and make Goa win in the days to come. So this is the basic difference I would like to point out. And the basic difference between Didi and other leaders of any other political party, you see her track record. So Trinamool Congress is not announcing anything for the sake of announcing and to win polls. If you see Didi's track record, in the last 10 years she's been the Chief Minister of Bengal, or whenever she has been the Cabinet Minister, either in railways or sports or coal, whatever she has said, she has delivered. So I meet a lot of people often, and I keep asking them that what is the difference between Didi and other political people that you see? And what is the USP of Didi? Everyone tells me one thing, that whatever Didi says, Didi apna baat rakhti hai. This is the basic difference. Didi jo kehti hai, Didi wo karti hai. Didi, the promises she made before Bengal polls, you will not even believe, it's not even 6 months. We have formed the government for the third time. She has fulfilled all the promises. Every promises she made before election, whether it's the student credit card, or it's Lakhi Bhanda, universal scheme for the ladies, or whether it's any other delivery of ration at your doorsteps, everything has been served and fulfilled. And this is the basic difference. When Trinamool announced something, what is the difference between Trinamool and BJP? BJP also makes promises. BJP also comes out with announcement and propositions, especially just before elections. But the moment the day elections are over, you'll not be able to go see them anymore. They'll be missing from action. But the difference between Trinamool Congress and BJP is, BJP makes promises and breaks promises. If BJP is good at making promises, they are even better at breaking it. And Trinamool is good at making promises and better at keeping it. This is the basic difference. And other basic difference between other political parties and Trinamool Congress, you know, I keep saying this to everyone I meet, that Trinamool Congress, when we have stepped on to Goa, we want to be a platform of choice to the people of Goa. If you want to take on BJP's might, you have Congress, you have other parties, you have Aam Aadmi Party, you have other regional parties. But what is the difference between Trinamool and others? Trinamool will not sell its soul to the BJP, it will not sell its spine to the BJP. This is the basic difference. They can put their mind, they can use ED, they can use CBI, they can use income tax, they can use all the investing agencies at their disposal and all the paraphernalia they have at their side. But let me tell you and let me reiterate, that Trinamool will fight till the last drop of its blood for the people of Goa. It is Goa who has to win. It is not Trinamool versus BJP. It is a three-letter word versus a three-letter word.
It is BJP versus GOA. It is not BJP versus Trinamool. It is not BJP versus Trinamool versus Congress or versus Aam Aadmi Party. It is BJP versus the people of Goa. Everyone keep asking me. There were editors in the media meet just a while back. They were asking, isn't Trinamool breaking into the opposition vote or breaking into the opposition unity? No, Trinamool is not. Why BJP is so rattled? Trinamool entered Goa in the month of October. I still remember Mr. Falerio and everyone. Most of the dignitaries sitting on the stage, including Yatish and Rajeshji and everyone, they went to Calcutta on the 28th of September. We started our activities in the month of October and we are only in December now. So in 2 months, if a party is able to perplex and bewilder a party of BJP's might and stature, you imagine what it can do in the next 5 years. You imagine what it can do in the next 2 months. Election will be fought in the month of February. We'll fight the elections. And we are not here to win one or two or three or four seats. We are here to bring and usher a new dawn for the people of Goa. And we are here to win the state for the people of Goa, lock, stock and barrel. I will not extend my speech just because we have a chairperson present in the stage. And everyone present in the audience has come specially to hear her. And I am also, being a student of politics, want to hear her directions and make sure we are able to implement it word by word for the people of Goa, for the sake of Goans in the days to come. Thank you very much. आता आमच्या मध्ये आम्ही सगळ्याचे जमल्या जी का ऐकूपा ती आमची राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगालची मुख्यमंत्री आणि देशाची लीडर जी का आज कॉन्शियस कीपर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणतात ती दीदी तिका ऐकूपाक आम्ही सगळे जमल्या आणि तिका रिक्वेस्ट करता की दीदी प्लीज एड्रेस युअर फॅमिली थँक्यू Thanks to everybody. All the leaders from Goa, from Pelagio to Leander, Kiran to Rajesh, everybody. Abhishek to Moa, Moa to Derek, to everybody, Napisha Ali to others. I think Abhishek, Mahua and Derek, Felidioji, Kiran, all they said everything. For me, nothing is left out. I can only say, Nabi Sakal, Guamcha Nabi Sakal, Do Flower, Do Phananchukal. दोन फणांचो काल खैची नवी शकाल आणि कुटुंब कुटुंब की आहे हम तो आपको फॅमिली मेंबर है वी ऑल बिलोंग्स टू दिस कंट्री हम आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं मैं पहले भी आ चुका आज भी आई हुई है मैं आपको लैंग्वेज समझती हूं मैं मराठा भी समझती हूँ मैं कंकड़ी भी समझती हूँ तो इसी के लिए जो जो भाषण अभी तक जितना जितना बात कहा है माइक्रोफोन में हर पता चल गया मेरे को इसी के लिए आप लोग मेरे को छुपाना कुछ मत मैं आपको लैंग्वेज समझते हैं और आपको लैंग्वेज को मर्यादा देना हमारा काम है मैं चाहती हूं कि ग्वान फॉर गोवा फॉर ग्वान अभिषेक जैसा बोला जी ओ ए गोवा थ्री वर्ड थ्री अल्फाबेट अगर भरोसा है तो पीछे मत जाइए आगे बढ़िए और जो जो भी मर्जी करे कहे हम वोट डिवाइड करने के लिए आए नहीं है हम वोट को यूनाइट करने के लिए और तृणमूल कांग्रेस का अलायंस को जिताने के लिए
बीजेपी का ऑल्टरनेटिव यही है। अगर किसी को इसको सपोर्ट करना है तो डिसीजन वो लोगों को लेना है, हमारा डिसीजन तो हो चुका है। हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम मरेंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं। हम चाहते हैं महिलाओं को एम्पावरमेंट, कि महिला हमारा घर का लक्ष्मी होता है, सरस्वती होता है। जैसे हमारा भाई लोग भी घर का गणपति होता है, शिव होता है, भाई बहन को लेके ये समाज को अच्छा से बनाना हमारा काम है। अगर गोवा में तृणमूल कांग्रेस जीते तो आपको प्लानिंग मैंने कर देंगे। मैं बंगाल में जो प्लानिंग कर दिया, बंगाल अभी देश में एक नंबर में आ गया। 40% बेरोजगारी हमने कमती कर दिया बंगाल में, 40% पॉवर्टी कमती कर दिया। आज गांव गांव में लोगों का हाथ में काम है, हम फ्री रेशन देता है और कोई नहीं देता है हर आदमी को। हमारा 11 करोड़ आदमी है, सबको फ्री रेशन मिलता है, फ्री हेल्थ सिस्टम मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो चाहे हार्ट अटैक हो, बेड का भी भाड़ा नहीं लगता है, मेडिसिन का भी पैसा नहीं लगता है। और प्राइवेट के लिए भी हम 5 लाख करके हर फैमिली को देता है, वो है स्वास्थ्य साथी प्रोजेक्ट। सेंटर को एक आउसमैन है, 60% देता और 40% आपको देना पड़ता। हम ऐसा नहीं किया, सेंटर ने किया बेटी बचाओ 100 करोड़ रुपया का प्रोग्राम, तो 74% रुपया चला गया, 74 करोड़ का माफी एडवर्टाइजमेंट करने, तो बेटी बचाओ के लिए बेटी के लिए 4 पैसा भी नहीं मिला। और हमारा गर्ल चाइल्ड के लिए प्रोग्राम है कन्याश्री, हम 7,000 करोड़ का रुपया का ज्यादा किया है, जिसी के लिए हमारा गर्ल चाइल्ड को कोई पैसा नहीं लगता स्कूल में, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। फिर उसको जब 18 साल होता है, अगर वो शादी नहीं करके पढ़ा सुना करते हैं तो हम उसको 25,000 रुपया देते हैं। और एक बात है, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब धर्म को लेके काम करते हैं, हर इंसान के लेके हम काम करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हिंदू बौद्ध सिखो जैन पड़ोसी को मुसलमान हो क्रिश्चियनी, सबको लिए हम काम करता है। जो जातीय संगीत में जो बात का उच्चारण किया गया है, रखा गया है, हमारा उधर में डोर स्टेप रेशन कर दिया, आपको रेशन दुकान में जाने नहीं पड़ता, फ्री रेशन और घर घर का सामने में रेशन मिलता है। हमारा जो किसान है ऐसे 2,000 रुपया करके मंथली हम ईयरली हम देते हैं, और जो खेत मजदूर है उसको भी 4,000 करके देता है। एक किसान परिवार को एक आदमी को मौत हुआ तो हम 2 लाख रुपया दे देता है। किसान जितना धान तैयार करते हैं ना, धान प्रोडक्शन करते हैं, हम सब खरीद देता है, इसी के लिए किसान को कोई दुख नहीं होता है। क्यों खरीदते हैं? इसी के लिए वही चावल हम फेयर प्राइस जब हम रेशन दुकान में देता है। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है ना, रेशन मिलता है, हम चावल खरीदता है किसान से और पब्लिक को देता है। हम ICDS में देते हैं, हम अंडा तो अंडा जो होता है सब अंडा हम ICDS के लिए खरीदता है, हम मिड डे मील के लिए खरीदता है। हमारा जो ताती है आर्टिजन है, वो अगर कोई कपड़ा बनाता है तो हम 3 साल का ऑर्डर उसको एक साथ में दे देता है, फिर 3 साल का पहले फिर ऑर्डर दे देता है। हमारे जो बच्चे लोग स्कूल में कपड़ा जमा पड़ता है, जो ड्रेस पड़ता है स्कूल ड्रेस, अभी हमने डिसीजन लिया वो हम उधर में ही तैयार करेगा, और इसमें भी जितना भी बनाएगा आर्टिजन लोग हम उसको पूरा ऑर्डर खरीद लेगा। अगर ऐसा ऐसा मौका है तो कौन किसका दुखी होना है, दुखी होना नहीं है।
हमारा बंगाल अभी हम क्यों बंगाल का बात करते हैं, इसके लिए बंगाल में मैं करके दिखाया, इसी के लिए गोवा में करना। गोवा तो छोटा सा एक ब्यूटीफुल स्टेट है, इतना दुख का बात नहीं है, इतना कठिनाई नहीं है। स्टूडेंट्स, यूथ, फिशरीज, वो जो लड़ी पे भी काम करता है, टाक में भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट में, फूड सेक्टर में है, और एक माइन सेक्टर है, यूथ सेक्टर है, महिला सेक्टर है, किसान सेक्टर है। 12-14 स्कीम करने से गोवा अच्छा से चलता है। देखो बाहर का लोगों को आने दो, जैसे टूरिज्म में आपका अर्निंग होगा, साथ साथ में घर का लड़का को अपना पाए में खड़ा होने दो। यंग जनरेशन के लिए अभी हमारा बंगाल में हम टारगेट किया इंडस्ट्रीज माय डेस्टिनेशन, सोशल वर्क सब कर दिया, सामाजिक जो रेगुलेशन था पूरा सब स्कीम कर दिया। नाउ आई एम टाइम फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारा पोर्ट आ रहा है, हमारा सेकेंड कोल माइंस इन द वर्ल्ड आ रहा है, हमारा ऐसे बहुत, हमारा सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है आईटी सेक्टर में, ऐसा हमने कर दिया, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया, हमारा बहुत कर दिया मुगल में। और गोवा में तो छोटा से जाएगा है, थोड़ा दिल लगा के करने से हो जाएगा। हमने सोचा है जो सजेशन हमारा मिलेगा, सजेशन का बात हम जीतेंगे, हम खुद आएंगे गोवा में, आके प्लानिंग बनाएंगे, एक प्लानिंग बोर्ड बना के कौन जगह में कैसे हम काम करते हैं, काम कर सकता है, इसको लिए प्लान तैयार करके हम लोग करेंगे। जैसा हमारा जितना भी कमिटमेंट हो, हम 6 महीने का अंदर उसको हम चालू कर सके। हम बंगाल में कर दिया, एफपीएम बाकी नहीं रखा, इसी के लिए पूरा शांति शांति है उधर में। हमारा भी दीघा है, सी है, दार्जिलिंग पहाड़ है, हमारा भी डीप फॉरेस्ट है, बे ऑफ बंगाल है, गंगा सागर, सब एक साथ में हम लोग काम करते हैं। बीजेपी चुनाव का टाइम में थोड़ा फेक वीडियो बनाता है, वो बांग्लादेश का वीडियो लेके बंगाल करके चलाता है, पूरा बांग्लादेश का वीडियो है। इसको हम चैलेंज किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और ह्यूमन राइट्स के नाम पे पूरा बीजेपी का लोगों को बैठा दिया उधर में। और वाके जब यूपी में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, जब त्रिपुरा में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, जब मध्य प्रदेश में अत्याचार होता है कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, सब कुछ। बंगाल को खत्म करना है, इसी के लिए ममता फाइट कर रहा है। अरे करेगा तो जरूर, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के लिए हर बात बात पर सीबीआई भेज देता है, ईडी भेज देता है, इनकम टैक्स भेज देता है, जो भी मर्जी करते हैं। और राजभवन में एक राजा बैठता है, क्या नहीं बोलता है, बीजेपी का प्रेसिडेंट से भी बड़ा, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीजेपी का, ऐसा बात करते हैं। करने दो, जो करते हैं करने दो, हमें लड़ने दो, हमें काम करने दो, हमें आप लोगों को आगे बढ़ाने दो। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा होके आए हुए, चुनाव का टाइम में भी आएंगे। और आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, गोवा का पब्लिक को समझाना चाहिए कि हम लोग अगर है तो आप लोगों को लिए, हम तो गोवा में नहीं, हम तो गोवा में गोवा को कंट्रोल करने के लिए नहीं आएंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आएंगे, अभिषेक नहीं आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, गोवा नहीं आएंगे, गोवा का लोगों को ही होना पड़ेगा, गोवा का लोगों को ही सामने रख के हम काम करेंगे, हम उसको मदद करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस को हम मदद करेंगे। पहले जब इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था तो मैंने आया था इनॉग्रेट करने के लिए, 2 इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, एक गोवा में होता है, कलकत्ता में एक होता है, हमारा भी 7 जनवरी से 14 जनवरी है। और हमारा ये जो आज रेल एक्सीडेंट से बचा है किसके लिए, मडगांव के लिए, को
कोंकण रेलवे, और उसको उद्घाटन कौन किया? मैंने किया। उसको इंस्पिरेशन कौन दिया? मैंने दिया। मैं जो रेल मिनिस्टर था, मैंने मडगांव में आया था। ये हमारा पास नया नहीं है, तब तो मेरे को लड़ाई इलेक्शन लड़ने का बात भी नहीं था। कौन जानता भविष्य में क्या होगा? आज मौका मिला, आ गया। इतने सारे लीडर आप लोगों के पास है, और क्या चाहिए? इस सब मिलजुल के करेंगे। आप लोग जो नीचे में बैठा है, आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मिलजुल के करेंगे, पहले तो मन पे विश्वास रखिए, हमको करना है, हमको दिखाना है, हमको जीतना है। खेला होगा बीजेपी का खेला खिलाफ में, खेला होगा, खेला होवे, खेला होवे। वो आपे की बोले थे कि खेला मुंची नहीं कि बोले व्हाट इज द गोवा में क्या बोलता है? कैंसलेशन। अच्छा करके काम करो, हम आपका साथ था, आपका साथ रहेगा। और आने वाला दिन हम देखने चाहते हैं, गोवा इज ए स्वीट एंड क्यूट स्टेट, वेरी इंटेलिजेंट स्टेट। गोवा का समुद्र माता भी अच्छा रहे, गोवा का फिशरमैन भी अच्छा रहे, गोवा का फूड भी अच्छा रहे, गोवा का माँ बहन भी अच्छा रहे, गोवा का किसान भी अच्छा रहे, गोवा का मजदूर भी अच्छा रहे, गोवा का स्टूडेंट आगे बढ़े, गोवा का नौजवान। आपको लीडरशिप देना है, हम आपको भी मदद करने के लिए तैयार है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको लेके काम करना हमारा पार्टी का तरीका है। इसलिए आप लोग अच्छा रहे, आपको क्रिसमस आ रहा है, एंजॉय योर फेस्टिवल इन ए बिग वे। आपको क्रिसमस के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हमको भी 20th हमारा भी उधर भी इनॉग्रेशन है। हमारा गवर्नमेंट का आने के बाद हम क्रिसमस फेस्टिवल को बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारा सेलिब्रेट होगा। हमको 20th की उद्घाटन हो जाएगा। हम भी आप जब नाइट प्रेयर में चर्च में जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमारा साथ डायरेक्ट अभिषेक सब मिलके हम लोग जाते हैं हर साल। अभी नहीं, 20 साल से, 20 साल से जाते हैं। हम जैसे मंदिर में जाते हैं, हम दरगाह में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं। यही तो हमारा परंपरा है। क्या फर्क है हमारा रात के? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मदर कहता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है। फर्क तो भाषा में होता है, फर्क तो बातों बातों पर होता है, लेकिन इंसान का खून सब एक ही है। हम लोग भारत माता का संतान है, हम हिंदुस्तानी हो, और साथ साथ में जो जो राज्यों में, हम ये चाहती हूँ कि गोवा अपन पाए में खड़ा हो। स्टेट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसी के लिए हम गोवा से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, अगर और कोई पार्टी कर सकते तो हम नहीं आते। हम तो इतना साल नहीं आया, तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ 98 में। हम सोचा कोई ना कोई करेगा करेगा करेगा, छोड़ दिया। देखता है कोई नहीं करता है, कुछ बोलता है इलेक्शन का टाइम में आके, फेसबुक ट्वीट करता है, और बस और कुछ नहीं करता है। बीजेपी से हम डरते ही नहीं है, बीजेपी का टीआरपी बहुत बढ़ गया इसके लिए। इसी के लिए हम सोचा जब तुम भी नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता है, तुम हमारा खिलाफ में लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हमारा बंगाल में हॉर इलेक्शन में आप लोगों ने लड़ सकता है, और हम क्यों गोवा में नहीं आ सकता है? अगर आपको हम मना नहीं करते आने के लिए, तब की हम तो चाहते हैं आओ एक साथ में काम करो, हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो लड़ेंगे। हम आप लोगों का बात सुन के बीजेपी का साथ आधा अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। हम लड़ते हैं तो पूरा लड़ते हैं 100%, और 100% लड़ेंगे, 100% जीतेंगे। ये विश्वास अगर आप लोगों का मन पे है, तो चुनाव का टाइम में हमारा बहुत सारे प्लेयर भी आएगा। मुंबई इज ऑल्सो, गोवा इज ऑल्सो फेमस फॉर फुटबॉल। आपका जितना फुटबॉल क्लब है, हमारा भी मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मेडन सब है।
हमारा साथ में भी हमारा क्रिकेटर मनोज तिवारी हमारा पार्टी का मिनिस्टर थे, हमारा प्रसून बैनर्जी एमपी है अर्जुन अवार्डी फुटबॉल का, ऐसे हमारा विदेश बोस जो पेले का साथ खेला था वो भी हमारा पार्टी का एमएलए है, हम सबको लेके आएगा, पूरा टीम लेके आएगा चुनाव का टाइम में, वो लोग आप लोगों को मदद करेगा, जो लोगों का साथ आप लोगों का रिश्ता है, चाहे फिल्म हो चाहे फुटबॉल हो, सब आएगा पूरा आपको मदद करने के लिए, आप लोग अच्छा रहिए और गोवा आगे बढ़िए, नवी सकाल ले आइए और दिल्ली से दादागिरी अनक्का नक्का ये आप समझिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस एंड मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर्स टू यू एंड योर फैमिली एंड माय स्वीट लैंड गोवा, थैंक यू सो मच. Thank you very much.